नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा कैसे पाए। जो भाई दिन में 2 से 3 बार हस्तमैथुन करते हैं और साथ ही साथ फोन वीडियो को भी देखते हैं, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिस काम को आप नॉर्मल समझ रहे हो और दिन में 2 से 3 बार हिला रहे हो, तो मेरे भाई आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह जो काम है वो नॉर्मल नहीं है। जिस अमूल्य धातु को आप गंदे नालियों में बहा रहे हो और 2 मिनट के मज़े के पीछे भाग रहे हो, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि हमारे शरीर के अमूल्य जो धातु वीर्य है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन हो जाने के बाद रस बनता है, उसके 5 दिन बाद रक्त बनता है, ऐसे ही 5-5 दिन बाद मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और आखिर में जाकर वीर्य बनता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है और आपके एक बार हस्तमैथुन कर देने से 35 से 40 दिन की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। शरीर में वीर्य की कमी हो जाने से इसके आपको कई सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आप रोजाना खुद से एक ही वादा करते हैं कि आज आखिरी बार कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल आता है तो आप फिर से कर लेते हो और आपको बुरा भी लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। पर दोस्तों, आप ऐसा ही अगर करते रहोगे तो इस आदत से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। जो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस आदत से बाहर भी निकलना चाहते हैं, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस आदत से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो कोई और नहीं, आप खुद ही हो जो कि इस आदत से बाहर निकल सकते हो। इस आदत से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है ब्रह्मचर्य मार्ग। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा अगर आपको इस बुरी और गंदी आदत से बाहर निकलना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। आपको 7 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प लेना है। 7 दिन तक आपको किसी भी हस्तमैथुन नहीं करना है और फोन वीडियो को भी आपको नहीं देखना है। तो मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी हाल में उठ जाना है। जो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है वो उठ भी जाएंगे। उठ जाने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। उसके बाद दोस्तों, आपको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है और आसन भी करना है। इसके लिए आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और अगर चाहे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करना है। आपको तब तक एक्सरसाइज करना है जब तक कि आपके शरीर से पसीना न निकल पड़े, और आपको रनिंग करना है। दोस्तों, ये जो रूटीन है आपको रोज़ाना करना है, और इसके बाद आपको भोजन है वो सात्विक ही करना है। किसी भी तरह की तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गरम मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, और आपको रात को 10 बजे से पहले किसी भी हाल में सो जाना है और गलत गंदी वीडियोस नहीं देखनी है और हस्तमैथुन भी नहीं करना है। और इसको आपको 7 दिन तक अपनाना है। जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 15 दिन का चैलेंज लीजिए, और आपके जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, 30 दिन हो जाएंगे, तो आपके मन से गंदे और गलत विचार आना बंद हो जाएंगे और आपका जो मन है वो शांत रहने लग जाएगा और आप इस लत से काफ़ी हद तक बाहर निकल पाओगे। दोस्तों, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ये आपको फॉलो भी करना है। और आज का वीडियो हमारा यही तक। इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।